आज मैं आपको एवरेज में ग्रुप डेटा में मीन मीडियन और मोड के को फाइंड आउट करना बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मूले के बारे में बताऊं कि किस तरह फॉर्मूले से आपको मीन मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है, इससे पहले ये लाजमी एक बात याद रखें कि आपको क्वेश्चन में जो चीज दी जाएगी वो होगी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की मदद से आपको बिट वैल्यू, एफएक्स, कम्युनिटी बाउंड्री, क्लास बाउंड्री और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के बारे में जो है वो कैलकुलेशन करनी होगी। और इस कैलकुलेशन के बाद आपको ये कैलकुलेशन जो हमारे पास आएगी वो मीन, मीडियन और मोड में काम आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिड वैल्यू, आप ये देखिए कि सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि हमारे पास है 11 और 13 क्लास इंटरवल की अगर मिड वैल्यू मालूम करनी होगी तो हमें सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना होगा। 11 प्लस 13 24, अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी मिड वैल्यू 12। सेकेंड, अब बिल्कुल इसी तरह इसकी मिड वैल्यू आ जाएंगी 14 प्लस 16, 30 डिवाइडेड बाय 2 15। यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह ही हो जाएगा और हो जाएगी वैल्यू 18 21 24। अब आपको मालूम करना है एफएक्स, और एफएक्स की वैल्यू मालूम करने से पहले आपको कैलकुलेटर परमिटेड होते हैं कि आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यूज हैं। इसलिए 12 टाइम 8 इज 96, 15 टाइम 12 इज 180, 18 टाइम 20 इज 360, 21 टाइम 12 इज 252 एंड 24 टाइम 8 इज 192। और इसमें जो है इन सब वैल्यू को प्लस कर देंगे, 96 प्लस 180 प्लस 360 प्लus 252 प्लस 192, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स का, जो कि हमारे पास है 1080। अब हम नेक्स्ट मालूम करेंगे क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री मैं आपको ग्राफ के चैप्टर में भी बताता आया हूं, और इससे पहले जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताता हुआ आया हूं कि अगर यह दोनों नंबर सिमिलर होंगे, अगर सिमिलर होंगे तो क्लास इंटरवल ही क्लास बाउंड्री होगी, लेकिन अगर यहां पर एक नंबर का डिफरेंस होगा तो उस 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब 0.5 इसमें से माइनस और इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्री मिल जाएगी। अब 0.5 माइनस कर देंगे तो यहां हो जाएगा 10.5, 13.5, 16.5, 16.5, 19.5, 19.5, 22.5, 22.5, 25.5। आप ये देखें कि यहां पर आपने 0.5 माइनस करते चले गए तो यहां पर हमारे पास वैल्यूज आ गई 0.5 माइनस करने के बाद, और यहां पर 0.5 प्लस करते चले गए तो हमारे पास ये जो हमें हासिल हुई है ये क्लास बाउंड्री है। और इस क्लास बाउंड्री बनाने का मकसद इन दोनों नंबर्स के दरमियान डिफरेंस को खत्म करना है। अब आ जाएगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हम यहां पर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके मुताबिक 8
plus 12, 20. 20 plus 20, 40. 40 plus 12, 52. 52 plus 8, 60. और यूं हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब यहां पर हमें इस पूरे डाटा की मदद से जो है वो मीन, मीडियन एंड मॉड को हमें फाइंड आउट करना है। इससे पहले, इसके बाद हम करेंगे फॉर फाइंडिंग मीन। और मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1080 और सिग्मा एफ की 60। यूं 1080 में डिवाइड कर देंगे 60 को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18। और ये हमने सबसे पहले मीन मालूम कर लिया। अब मीडियन मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर फाइंडिंग मीडियन आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है, वो ये है कि हमारे पास यहां क्लासेस है 1, 2, 3, 4, 5। भाई मीडियन मालूम करने के लिए हम कौन सी क्लास लेंगे हमें नहीं मालूम, उसको मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन क्लास का। एन अपॉन टूथ टर्म, और ये हो जाएगा आपके पास एन है 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30th। अब 30th टर्म हम कहां देखेंगे? 30th टर्म हम देखेंगे यहां कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे कि 8 30 में नहीं आता, टेबल में नहीं गया। यहां पर आपको देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, 30। जब तक 30 लेस नंबर नहीं होता वो फर्स्ट वैल्यू तक आप काउंट करेंगे। 30 ग्रेटर नंबर है 20 से, 40। अब ये 40 वो वैल्यू है जो कि 30 लेस हो जाता है, और 40 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए हम यहां पर लेंगे ये पूरी क्लास अब इस पूरी क्लास में हम ये देखेंगे कि मीडियन मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ सिग्मा एफ ओवर टू माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन, अब ये बात आती है कि एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोअर क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री में लोअर क्या है, ये है आपके पास 16.5, तो हम लिखेंगे 16.5। नेक्स्ट एच, एच इज साइज ऑफ क्लास बाउंड्री जो कि 17 और 19 के दरमियान होगा। अब 17 और 19 के दरमियान साइज कैसे मालूम करेंगे, 17 को भी काउंट करेंगे और 19 को भी काउंट करेंगे, तो यूं 17, 18, 19 3 आ जाएगी हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवेल। एफ, एफ है हमारे पास उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो है हमारे पास 20। अब आपको पता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ है 60 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास,
कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ये नहीं, इससे ऊपर वाली लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 20। अब वैल्यू को फाइंड कर देंगे तो मीडियन आ जाएगा हमारे पास L, L है 16.5 प्लस H 3 ओवर 20, सिग्मा F 60 ओवर 2 माइनस 20। तो मीडियन मालूम हो जाएगा सिंपलीफाई करने से 16.5 प्लस 3 ओवर 20 माइनस किया तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20। थ्री ओवर 20 और 30 माइनस 20 इज 10 और 0 को 0 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 16.5 प्लस 3 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1.5 और हमारे पास यहां पर मीडियन आ गया 1। हमें यहां पर मीडियन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे मॉड। और मॉड का फॉर्मूला है हमारे पास एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अब यहां पर बात होती है कि मॉड के लिए क्या हम क्लास जो क्लास थी वही सिलेक्ट करेंगे जो हमने मीडियन के लिए की थी, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मॉड के लिए हमें यह देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑब्जर्वेशन की कौन सी है और हमारे पास इस डेटा में फ्रीक्वेंट वैल्यू भी 20 ही है, इसलिए हम मीडियन वाला डेटा ही ले रहे हैं। अगर मीडियन वाला डेटा नहीं होता तो हम मीडियन वाला डेटा को फाइंड नहीं करते और जो रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है हम उसे लेते। अगर यहां पर यू देखें तो फॉर्मूले के मुताबिक यहां हो जाएगा हमें एफ एम, ये हो जाएगा एफ वन, ये हो जाएगा एफ टू और इसको हम यहां लिख लेंगे तो हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू 12, एल इज इक्वल्स टू 16.5, एफ एम इज 20, एफ वन इज 12, एफ टू इज ऑल्सो 12 एंड एच इज 3। एच इज हाइट, हाइट और साइज तो यहां पर हो जाएगा साइज 17, 18, 19 तो ये हो जाएगा 3। यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे मॉड को फाइंड करने के लिए एल मीन्स 16.5 प्लस एफ एम माइनस एफ वन मीन्स 20 माइनस 12 अपॉन 2 एफ एम, 2 एफ एम इज 20 माइनस एफ वन इज 12, एफ टू इज 12 इंटू हाइट इज 3। सिक्सटीन पॉइंट फाइव
plus minus 8 upon 20 to the 40. 40 minus 12 is 28. 28 minus 12 is 16. यहां पर फिर 3 8 into 3 24 divided by 16 1.5 और इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास मॉड भी आ गया 18। एक चीज आप देखें, मीन में भी आपके पास 18 आया, मीडियन में भी आपके पास 18 आया, मॉड में भी आपके पास 18 आया। यहां पर तीनों आंसर सेम है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेटा था उसका आंसर ही तीनों सिमिलर होना चाहिए। अब बात यह आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से डेटा में सिमिलर आएगा और कौन से में डिफरेंस आएगा। अगर डिफरेंस आएगा भी तो इन बिटवीन 1 to 2 का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा नंबर्स का। अब मैं आपको डेटा का भी बता देता हूं कि हमें डेटा का पता कैसे चलेगा कि ये डिफरेंस है या नहीं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आप ये देखें, आपके पास यहां पर एफ एम है 12, यहां पर भी 12, या लास्ट फर्स्ट इज 8 एंड लास्ट इज ऑल्सो 8, यानी इसके ऊपर जो नंबर है वो ही रिवर्स होके वापस आए। अगर ये दोनों नंबर सिमिलर होंगे तो आंसर भी सिमिलर होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आंसर भी डिफरेंट आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके डेटा में कि डेटा आपका किस तरह का है। यहां पर जो डेटा था उसके मुताबिक तीनों वैल्यूज आपको प्रूफ कर रही हैं कि आपका जो है वो कैलकुलेशन परफेक्ट है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए।